हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ डीएस वाता। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हनीकॉम सेवन्थ क्लास एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो चलिए इसकी ओर चलते हैं, इसके अगले चैप्टर की ओर। स्टूडेंट्स, इसका चैप्टर वन है, थ्री क्वेश्चंस। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, आज मैं दूसरा पार्ट पढ़ाऊँगा। जो लोग पहले नहीं पढ़ पाए हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले पार्ट को वहाँ से पढ़ सकते हैं, दूसरा पार्ट मैं आज पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ इसके सेकंड पार्ट की ओर। स्टूडेंट्स, इसके पहले पार्ट में एक राजा है और राजा ने तीन प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न पूछने के लिए राजा ने अपने दरबार में बहुत सारे विद्वान बुलाए हैं और उसके बाद जब उसे संतुष्टि नहीं मिली तो उसके पास में ही एक साधु के पास गया है और साधु की कुटिया पर जो दृश्य है उसके आगे का हाल यहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर एक आदमी आता है और उस आदमी का दृश्य यहाँ से शुरू होता है। द किंग टर्न्ड राउंड, राजा पीछे को घूमा एंड सॉ ए बियर्डेड मैन, और एक दाढ़ी वाला आदमी उसने देखा। रनिंग टूवर्ड डैम, उनकी ओर आ रहा है, जहाँ राजा और साधु दोनों खड़े हुए, डैम उनके लिए आया है। तो वहाँ पर आता है और हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमच, और उसके जो हाथ हैं, जो भागता हुआ आदमी आ रहा है बियर्डेड मैन, उसके लिए आया है। हिज हैंड्स, उसके हाथ थे प्रेस्ड, मतलब दबाए हुए थे अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके अपने पेट पर, पेट को दबाए हुए थे। फ्रॉम विच, जिससे ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुँचा, ही फेंटेड, वो बिल्कुल मूर्छित सा हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन में गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और साधु, अगले पेज पे आ जाओ। तो राजा और साधु दोनों क्या करते हैं, रिमूव्ड द मैंस क्लोथ, आदमी का कपड़े को हटाते हैं। एंड फाउंड ए लार्ज बाउंड, जो पेट को दबाए हुए था वहाँ पे क्या पाते हैं, वो एक बड़ा सा घाव। इन हिज स्टमक, उसके पेट पे एक बड़ा सा घाव पाते हैं। द किंग वास्ट एंड कवर्ड इट विद द हैंडकरचीफ, राजा ने इसको धोया और उसको कवर किया, मतलब ढका उसको अपने रुमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन फिर भी खून नहीं रुका जो बह रहा था। द किंग रीड्रेस्ड, राजा ने दोबारा से उसको पट्टी बांधी, या दोबारा किसी कपड़े से किया होगा उन्होंने कुछ। द वाउंड अनटिल एट लास्ट, जब तक कि वो ब्लड बंद नहीं हो गया। द ब्लीडिंग स्टॉप, तो जब तक ब्लड बंद नहीं हो गया तब तक राजा उसकी पट्टी या ड्रेस्ट बार बार करते रहे उसको। द मैन फेल्ट बेटर, उस आदमी ने अच्छा महसूस किया। एंड आस्क्ड, और उसने मांगा, कहा, फॉर समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए कहा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ताज़ा पानी लेके आए। एंड गेव इट टू हिम, और उसको दिया। बाई दिस टाइम, उस समय द सन हैड सेट, सूरज छुप चुका था। एंड द एयर वाज कूल, और जो हवा थी वो भी ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट, राजा विद द हर्मिट, साधु के साथ, सहायता के साथ, कैरिड माने ले गया, द वाउंडेड मैन, उस घायल आदमी को, इनटू द हट, कुटिया में ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और बेड पर उसको लिटा दी। द मैन क्लोज हिज आईज, उस आदमी ने आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाई, राजा भी थक गया था, बाई हिज वॉक, जो चल के आए थे। एंड द वर्कड ही हैड डन, और जो काम उसने किया था, क्या काम किया था, साधु की कुटिया के सामने गड्ढा खोदा जा रहा था, तो राजा ने फावड़े से खुद गड्ढा खोदा था, तो राजा भी थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, राजा भी बेड पर लेट गया। देखिए स्टूडेंट्स, द किंग के बाद ले डाउन, यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है। द किंग ले डाउन ऑन द फ्लोर, राजा जमीन पर ही लेट गया। और ये यहाँ से लेके जो कॉमा तक का जो होता है, इसको नाउन फ्रेज या एपोजिशन बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने वीडियो अलग से दिया हुआ है ग्रामर में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वो लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात में भी सोता रहा। व्हेन ही अवॉक, जब वो जगे, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर, ये कुछ क्षण पहले ही। तो राजा इतना थका हुआ था, पूरी रात वहाँ पे सोया, और जब वो जगता है तब क्या उसके साथ होता है। व्हेन ही अवॉक, जब वो जगा, इट वाज सेवरल मिनट बिफोर, कुछ क्षण पहले, कुछ मिनट पहले की बात है। ही कुड रिमेंबर, वो याद कर सका, वो ये कुछ मिनट पहले भी याद कर रहा था। क्या याद कर रहा था, अगले पेज पे आते हैं। अब राजा को सुबह जगने के बाद क्या याद आता है, वेयर ही वाज, वह कहाँ था। एंड हु द
स्ट्रेंज बियर डेड मैन, और ये दाढ़ी वाला आदमी कौन है लाइंग ऑन द बेड वाज, जो बेड पर लेटा हुआ था। राजा सब कुछ भूल चुका था, इतना हारा हुआ थका हुआ था कि वो इतना लेट गया, या उसकी स्थिति परिस्थिति ऐसी रही कि राजा सब कुछ भूल गया। फॉरगिव मी, क्षमा कीजिए, सैड द बियर डेड मैन, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, इन ए वीक वॉइस, बड़ी धीमी सी कमज़ोर सी आवाज़ में। व्हेन ही सॉ दैट, जब उसने देखा, द किंग वाज अवेक, जब वो राजा जग गया है, तब वो दाढ़ी वाले आदमी ने उससे कहा, आई डू नॉट नो यू, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगेट फॉर यू, और कुछ भी क्षमा करने के लिए नहीं, आपने क्या अपराध किया है कुछ क्षमा करने के लिए है तो नहीं, मैं क्या क्षमा करूँ, सैड द किंग, ऐसा राजा ने कहा। जब राजा जगा है तो वो कहता है, यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, मैं तुमको जानता हूँ, आई एम दैट एनिमी, मैं वो वाला शत्रु हूँ या वही शत्रु हूँ ऑफ योर्स, तुम्हारा, हू शोर रिवेंज ऑन यू, जिसने तुमसे बदला लेने के लिए कसम खाई हुई है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया है, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को भी हड़प लिया है। आई न्यू यू हैड गॉन एलोन, मैं जानता था कि तुम अकेले गए हो, टू सी दैट हर्मिट, हर्मिट के पास, साधु के पास, एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने निश्चय कर लिया था टू किल यू ऑन योर वे होम, जब आप घर को लौटेंगे तब मैंने आपको मारने का, हत्या करने का निश्चय कर लिया था। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम नहीं लौटे, सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, मैंने अपना छुपने का स्थान छोड़ दिया, या छुपने के स्थान से निकल आया, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आ गया आपके बॉडी गार्ड्स के सामने, हु रिकॉग्नाइज मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बचा, बट आई शुड हैव डाइड, उनसे तो बच निकला, लेकिन आई शुड हैव डेड, मैं मर गया होता, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड, अगर तुमने मेरे घाव की ड्रेसिंग, मतलब पट्टी वगैरह देखभाल नहीं की होती। आई विश्ड, मैं इच्छा करता हूँ, टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं तुमको मार दूँ, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने इस समय मेरी जान बचा दी है। नाउ इस समय, If I live, अगर मैं जिंदा रहता हूँ, I will serve you, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, as your most faithful servant, एक बहुत बड़े वफादार नौकर की तरह से, and will order, और मैं आदेश दूँगा, my sons, मैं अपने बेटों को यही आदेश दूँगा, to do the same, वही करने के लिए, जैसे मेरी तरह से सेवा करें आपकी, forgive me, मुझे क्षमा करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली, क्यों खुश था, टू हैव मेड पीस, इतनी शांति के साथ अपने दुश्मन के साथ क्या बना दिया, शांति स्थापित कर दी, इतनी ईजीली, बड़ी आसानी से मैत्री स्थापित हो गई उसके साथ, एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और वे दोनों इस समय मित्र बन गए हैं, उसको बड़ी खुशी है। ही नॉट Only forgave him, उसने उसको क्षमा ही नहीं कर दिया, but said, क्या कहा है, he would send his servants, अपने नौकरों को भेज देगा, and his own doctor, अपने डॉक्टर को भेज देगा, to look after him, उसकी देखभाल करने के लिए, and he promised, और उसने promise किया, वादा किया, to give back to man, वापस देने के लिए, his property, उसकी संपत्ति को वापस देने के लिए भी वादा कर दिया राजा ने। लीविंग द वाउंडेड मैन को छोड़कर वहाँ से, या उससे हटते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा उस कुटिया से बाहर आया, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उसने साधु को देखा या साधु का खोजा। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ट, जाने से पहले उसकी इच्छा थी वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, जो प्रश्न के उत्तर लेने आया था उसको जानने की दोबारा से फिर इच्छा हुई। पहले वो उसने सन्यासी ने कुछ बताया नहीं था उसको, क्योंकि बीच में ही वो घायल आदमी आ गया था। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, और वो जो साधु थे अपने घुटनों पर थे, घुटनों के बल बैठे हुए थे, ऐसे समझ लीजिए, सोइंग सीड्स इन द बेड्स, और वो बीज को बो रहे थे इन द बेड्स, उन क्यारियों में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, एक दिन पहले जिन क्यारियों को खोदा गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, एक अंतिम बार मैं आपसे फिर पूछा, टू आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, हे वाइज मैन,
हे बुद्धिमान आदमी, हे बुद्धिमान सन्यासी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स अगले पेज पर चलो। स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत मेहनत के साथ, बहुत प्यार से, बहुत आराम से एक एक शब्द करके पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरे प्रति या टीचर के प्रति अगर जरा सी भी कोई श्रद्धा भाव रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कैसे करना है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है, ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट जैसे मैंने बताया उस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत आसान है, ये फ्री में हो जाता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई डेटा नहीं लगता, बस सब्सक्राइब वाली जगह पे सिर्फ एक बार उंगली रखनी है। चलिए आगे। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको आंसर दिया जा चुका है। सेड द हर्मिट, राजा ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन, और वो झुके हुए, टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर झुके हुए, एंड लुकिंग अप एट द किंग, और उसने राजा को देखा, एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसे वो पहले से ही इस तरह से सिर उठा रहा था। अभी तक साधु को ये नहीं पता था कि ये जो खड़े हैं ये राजा हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे आंसर दिया जा चुका है। वाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते हो। रेप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुमने मुझ पर दया नहीं की होती, पिटेड माई वीकनेस, मेरी कमजोरी पर कल दया नहीं की होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स, और इन क्यारियों को नहीं खोदा होता मेरे लिए, यू वुड हैव गोन अवे, और तुम चले गए होते। देन तब दैट मैन का मतलब वो आदमी जो घायल आदमी आया था, वुड हैव अटैक्ड यू, और तुम पर आक्रमण कर दिया होता, एंड यू वुड हैव विस्ट यू हैड स्टेड विद मी, और तुम फिर ने बाद में ये कहते रहते कि काश मैं आपके पास ठहर गया होता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय, कौन सा था। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जो सबसे महत्वपूर्ण समय था वो था कि जब आप उसके लिए केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, अगर तुमने उसके घावों को ड्रेस नहीं किया होता, पट्टी नहीं बांधी होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और वो तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बिना मर भी गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और वही आदमी सबसे महत्वपूर्ण है। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, जो तुमने उसके लिए किया था, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया था वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। नेक्स्ट पैरा में देखिए, तो साधु कहता है कि रिमेंबर देन, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, ये वो समय होता है दैट इज इम्पोर्टेंट, वो बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है, एक ही समय होता है महत्वपूर्ण, एंड दैट टाइम इज नाउ, जो अब है, वर्तमान है, नाउ का मतलब वर्तमान से, अब से है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज इट इज ओनली टाइम, यही वो समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जिसमें हम कुछ कर पाने की क्षमता होती है, हैं? नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक आदमी है वो पर्सन, कौन सा, यू आर विद, जिसके साथ तुम हैं, एट द पर्टिकुलर मोमेंट, किसी क्षण क्षण भर में, किसी विशेष समय में आप उसके साथ होते हैं। फॉर नो वन नोज, कोई नहीं जानता, वाट विल हैपन इन फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कुछ भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा और हम किसी अन्य व्यक्ति से मिल पाएंगे कि नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस का मतलब, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है,
टू डू दैट पर्सन गुड, उस आदमी के लिए अच्छा करना, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, हमको भेजा गया है इस संसार में, दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलोन, केवल उसी कार्य को करने के लिए हमें संसार में भेजा गया है। कौन से कार्य के लिए? किसी अच्छे कार्य के लिए जो भी आप कर रहे हैं। ये लियो टॉलस्टॉय की कहानी है, ये रिटोल्ड है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा है, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी सारी एक्सरसाइज, इसका पूरा एक एक चैप्टर सभी कुछ समझाया गया है। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब अब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इसी चैप्टर की कुछ पोएम और दूसरे पार्ट हैं उनके साथ और प्रश्न उत्तर के साथ, और पिछले वाले का लिंक इसी डिस्कशन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।